Hey, what's up guys? Finally, दो महीने के इंतजार के बाद फाइनली अपने बीजमाए में न्यू रॉयल पास आ चुका है और यहाँ पे हम लोग को 3 सीटर्स बाइक भी मिल गई है, अपने नए कॉस्ट्यूम्स मिल चुके हैं। ये कॉस्ट्यूम्स देख के मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन अब तुम लोग सोचो भाई, इसमें 50 लेवल वाला रॉयल पास लेना चाहिए कि सीधे 100 लेवल वाला? तो एक बार मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे पास 360 यूसी है तो इसलिए तुम 50 लेवल वाला रॉयल पास ले लो, उसके बाद फिर तुम जाके 100 वाला सीधे तुम खरीद सकते हो 50 से 100 फिर से 360 लगा के। और अगर तुम इलाइट पास प्लस ले लोगे ना तो उसमें तुमको बहुत सारी इन्वेंटरी में सामान मिल जाएंगे, जिसमें से ये वाला नाइफ दिखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को सबसे पहले रॉयल पास में मिला क्या है। हम लोग को यहाँ पे एक मटेरियल मिल चुका है और इजिली ये वो पुराने जो पबजी मोबाइल में हम लोग के कॉस्ट्यूम्स आते हैं वो सेम सारी चीजें यहाँ पे हैं। और अगर तुमको ये मिथिक एम्बलम फ्रेगमेंट जहाँ पे भी मिलेगा ना, तुम तुरंत कलेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद इस मिथिक एम्बलम फ्रेगमेंट से बहुत ही तगड़ी चीज आने वाली है इवेंट मोड में, जिससे तुम इस फ्रेगमेंट से वो चीजें खरीद सकते हो, वो भी फ्री में। और 100 में हम लोग को क्या ही सुंदर एनिमेशन मिलता है और ये कॉस्ट्यूम दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो गाइस, जो लोग सोच रहे हो रॉयल पास लेने का, इस बार रॉयल पास लो, क्योंकि ये वाला रॉयल पास लास्ट के 2-3 रॉयल पास के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जब तुम इवेंट में जाओगे और अपने ब्लैक फ्राइडे सेल में जाओगे, 5000 यूसी में तुम्हें 3 मटेरियल मिल जाएगी अपग्रेडेबल वाली, जिससे तुम अपने गन को अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे 10000 यूसी में 7 अपग्रेडेबल वाली मिल जाएगी। लेकिन हमें मालूम है 10000 यूसी एक साथ कलेक्ट करना बहुत सारे बंदों का नहीं होगा, तुम 5000 यूसी इजली तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ 5000 यूसी को लेने के लिए, क्योंकि देखो 1 दिसंबर को ये वाले इवेंट खत्म होते हैं ब्लैक फ्राइडे, और 1 दिसंबर को जो नया ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा उसमें और ज्यादा हम लोग को 5000 यूसी में और ज्यादा मटेरियल्स मिल सकते हैं। तो मैं यही तुम लोग को रिकमेंड करूंगा, तुम लोग सिर्फ 5000 यूसी स्पेंड करना जो बंदे कर रहे हैं रॉयल पास के लिए। और फाइनली पबजी मोबाइल के अंदर अपना न्यू एक्सूट आ चुका है, लेकिन बीजमाए में अपना न्यू एक्सूट अभी नहीं आएगा, अपना न्यू एक्सूट आएगा 29 को, ये जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो 30 को या फिर 29 के ही सुबह के समय हम लोग का न्यू एक्सूट वाले आ जाएगी और न्यू एक्सूट आ जाएगा। और न्यू एक्सूट तुम लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है दिखने में, और मुझे तो ये एक्सूट थोड़ा थोड़ा पसंद आया। लेकिन भाई, जो अपने फेरो हो गए, पोसाइडन हो गए, इन सब एक्सूट की बराबरी भाई अभी तक कोई भी एक्सूट नहीं कर पाएगा। अगर तुम लोग मेरे बात पर एग्री करते हो तो तुम लोग कमेंट में एक हर्ट जरूर स्पैम कर देना। और यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ, जो अपना विंटर अपडेट रहेगा, अब तुम यहाँ पे देखो रैंक में जब हम लोग आते हैं, अपना एज जॉम्बी मोड अभी चल रहा है, तो ये जैसे खत्म होगा, अब ये अपना जॉम्बी मोड कब खत्म होगा तुम लोग को मालूम है, कुछ दिन में खत्म होने वाला है जॉम्बी मोड और सीधे हम लोग का विंटर मोड आएगा। और विंटर मोड में न्यू रॉयल पास आ जाएगा, क्योंकि पबजी मोबाइल में तुम एक चीज नोटिस करे होगे, ये पबजी मोबाइल में न्यू रॉयल पास आई है। जो बीजमाई में रॉयल पास आ रही है वो पबजी मोबाइल में पहले आ चुकी थी, अब पबजी मोबाइल में न्यू रॉयल पास आई है और तुमको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये रॉयल पास दिखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने मैं अपने पबजी मोबाइल का न्यू रॉयल पास जो है वो दिखा दे रहा हूँ, जो कि अपने सीधे न्यू इवेंट मोड पर बेस्ड है। तो टैप टू कंटिन्यू जैसे करूंगा, ये देखो गाइस, इसमें 2 कैरेक्टर्स मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है दिखने पे। चलो हम लोग अपने रॉयल पास को देख लेते हैं, पबजी मोबाइल में रॉयल पास में क्या क्या नया चीज़ है। पहले तो अपना ये नॉर्मल कॉस्ट्यूम रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग एक मटेरियल मिल जाएगा, फिर 80 यूसी सीधे हम लोग को पबजी मोबाइल में मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है बीजमाई में 80 यूसी नहीं मिलेगा, हम लोग को स्टार्टिंग में हमेशा 20 यूसी मिलती है, और ऐसे ऐसे बढ़ते हम लोग जाएंगे तो हम लोग को तो एक इमोट मिलेगा 15 नंबर पे, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगे, जैसे वो देखने लायक रहेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 30 वाले पे आ जाते हैं, 30 वाले पे हम लोग को मिल जाता है एक UMP की स्किन, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने में लग रही है इस इवेंट में। और उसके बाद उसके नीचे जो हम लोग का इमोट है, ये वाला भी इमोट तुम अपने ओपोनेंट को नॉक करने के बाद कर सकते हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये वाला रॉयल पास अच्छा है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों बीजमाई का रॉयल पास ज़्यादा बढ़िया लगा पबजी मोबाइल के मुकाबले। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग जैसे विंटर मोड आएगा तो उसके बाद यारी रॉयल पास हम लोग पास आ जाएगी। तो यही था अपना सारा बीजमाई के अंदर न्यू अपडेट में। तो तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम लोग को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा सामान आया, तुम्हें पबजी मोबाइल का रॉयल पास ज्यादा पसंद आया कि बीजमाई का रॉयल पास ज्यादा पसंद आया? मेरे को तो स्पेशली बीजमाई का रॉयल पास ज्यादा अच्छा लग रहा था पबजी मोबाइल के इस वाले रॉयल पास मोबाइल। लेकिन पबजी मोबाइल में कुछ ऐसे ऐसे चीजें थे जो कि देखने में बहुत मजे आ रहे थे, जैसे कि इसके इमोट्स हो गए, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया पबजी मोबाइल। तो अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बीजमाई से रिलेटेड न्यू इवेंट के टिप्स एंड ट्रिक, क्लोज रेंज इंप्रूव हो गया, तुम्हारे गेम सेंस इंप्रूव हो गया, तुम्हारे गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए वीडियोस लाता रहता हूं, और जितने भी न्यू अपडेट्स आते हैं अपने पबजी मोबाइल या बीजमाई में उसकी वीडियो सबसे पहले मैं लाता हूं। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि न्यू वीडियोस जैसे अपलोड होंगे तुरंत तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस।